हेलो एवरीवन दोस्तों। तो दोस्तों अभी रिसेंटली ही आप अपने केवीएस के पेपर को देके आ ही रहे होंगे। तो दोस्तों आप सभी ये सोच रहे होंगे कि केवीएस की जो कट ऑफ है वो कहाँ तक जाने वाली है, यानी कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। जब हम पेपर देके आते हैं तो हम सभी के मन में ये सवाल तो गूंजता ही है कि हमारी कट ऑफ कितनी बेसिकली जाएगी। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि इसका जो एक एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं वो एक तरीके से लगा सकते हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ्स हैं हम उसके अकॉर्डिंगली से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब जब पेपर दे के आ रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं ये जान जाते हैं कि हमारे पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का रहा है या हमने कैसा प्रदर्शन किया है। देखिए कोई भी जाने या ना जाने, जब कोई एग्जाम सेंटर से बाहर निकलता है तो हम पूछते हैं कैसा गया पेपर, भले ही वो अच्छा कह रहा है पर लेकिन वो खुद ये जानता है कि उसका अच्छा गया है या नहीं गया। पहली बात तो अगर आप अपने में कॉन्फिडेंट हैं तो बहुत सारी चीजें आपकी नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि केवीएस का प्रीवियस क्या कट ऑफ रहा था और अब कितना कट ऑफ रह सकता है। तो देखिए कई बार क्या होता है ना कि जो लास्ट ईयर के जो कट ऑफ्स होते हैं अप्रोक्सीमेट उसके आगे पीछे ही घंटी घूमती रहती है दोस्तों। तो चलिए इसके थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे इस कट ऑफ के थ्रू, ठीक है। ओके गाइस, तो इसके थ्रू थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश कर ही लेते हैं कि बेसिकली क्या कट ऑफ रही होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन कलर से डिनोट है ये मतलब जनरल कैटेगरी की, ये ब्लू वाली ओबीएस, येलो वाली एससी और ग्रीन वाली एसटी की कट ऑफ है, ठीक है। जिसमें कि अगर मैं बात करती हूँ टीजीटी इंग्लिश की, तो ये बच्चा ये क्या है, ये टीजीटी की टीजीटी, ठीक है, टीजीटी की ये वाली जो कट ऑफ दे रखी है। तो मैं अगर टीजीटी की बात करूं तो यहाँ पर जो यूआर की कट ऑफ गई थी वो 58.05 कट ऑफ गई और 52.15% जो कट ऑफ गई थी ये किसकी गई थी, ये ओबीसी की गई थी इंग्लिश की। तो अगर मैं यहाँ पे डाटा देख रही हूँ तो मुझे तकरीबन 68 तक मैक्सिमम डाटा जो मुझे लग रहा है, ठीक है। तो 68 तक मुझे मैक्सिमम डाटा पीआरटी में मुझे बेसिकली लगा। इसके साथ साथ मैं टीजीटी इंग्लिश की बात करती हूँ तो 60 कट ऑफ गई और 61 यहाँ पे टीजीटी मैथ की कट ऑफ गई, ठीक है। तो दोस्तों अब हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आने वाली कट ऑफ कितने तक जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हम अंदाजन बात कर सकते हैं कि हमारी कितनी तक जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये मैंने बात करी टीजीटी की, ठीक है। टीजीटी की जो तकरीबन मुझे दिख रही है वो 68 तक मुझे कट ऑफ बेसिकली दिख रही है, ठीक है। तो टीजीटी की अगर बच्चे हम टीजीटी की बात कर रहे हैं, अगर मैं मार्क्स में बात करूं, ये तो ऑल ओवर वेटेज वगैरह लगाकर है, अगर मैं मार्क्स में बात करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करती हूं तो इन सब एस्टिमेट को लगाने के बाद 140 से 145 तक का एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि कट ऑफ एटलीस्ट इतनी जनरल कैटेगरी में जाएगी फॉर द टीजीटी एग्जाम, ठीक है। तो टीजीटी एग्जाम अगर ओबीएस की बात करूं तो इसकी भी कट ऑफ तकरीबन 140 से 45 ही एस्टिमेट की जा रही है पीछे के एग्जाम्स को देखते हुए। अगर मैं एसटी और एसटी की बात करती हूँ तो दोस्तों एसटी और एसटी का जैसे भी हमारा एग्जाम रहा है 120 से 130 एसटी कैटेगरी की कट ऑफ मतलब जा सकती है, यानी कि ये एक्सपेक्टेड है, नॉट ये कंप्लीटली मैं नहीं बता रही हूँ, अभी तो आई भी नहीं है तो कैसे बता देंगे। तो ये 110 से 120 तो ये एससी और एसटी कैटेगरी के कट ऑफ फॉर द टीजीटी एग्जाम से किसके लिए है, ये टीजीटी के एग्जाम के लिए एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस को करने के बाद, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं तो तकरीबन इतना जा रहा है। पर मैं फिर भी बोलूंगी कि जो यहाँ पर एससी वाले स्टूडेंट हैं तो वो अपने आप को इस समय पे जर्नल कैटेगरी में रखकर देखें, क्योंकि एक सेफ साइड चलने की वजह से मैं ऐसा कह रही हूँ कि ताकि आपको एक, अगर आप अपना जर्नल कैटेगरी का ही टारगेट लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें सफलता जरूर पाएंगे, ठीक है। क्यों ऐसा मैं कह रही हूं, क्योंकि देखिए यहां पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप एटलीस्ट इतना ही टारगेट लेके चलें तब जाके आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है कि आप सभी, इवन सभी इस कट ऑफ को क्वालिफाई करने के लिए ही हमें एक लक्ष्य भी बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप इस लक्ष्य के साथ चलते हैं तो आपका जो भी कट ऑफ रहता है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, बाकी कुछ फर्क तो ज्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है तो आप उसको भी क्या कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। तो ये एक सेफ साइड वाली बात है कि आप सेफ साइड लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ दोस्तों अगर मैं बात करती हूँ किसकी, अगर मैं बात करती हूँ पीजीटी की, तो बच्चे देखिए मेरा जो मैंने जो पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया मैंने, पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर हो चुका है 23 तारीख को। अब बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि अरे यार कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। तो कट ऑफ की क्यूरियोसिटी बच्चों में बहुत ज्यादा है इस समय पे,
डेली क्लासेस भी चल रही हैं रोज, तो बच्चे बड़ा पूछते हैं मैम क्या जा सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो ये क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है। तो पीजीटी इंग्लिश की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पीजीटी इंग्लिश आ रहा है। पीजीटी इंग्लिश का, ठीक है, ये आपकी कट ऑफ 18-19 वाले पेपर की है, जिसमें कि 100 गई थी यूआर कैटेगरी, यानी कि रिजर्व कैटेगरी, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी की। इसके बाद ओबीसी की 91 और एससी की 95 और इसकी गई थी एसटी की। तो ये कट ऑफ गई थी इनकी। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखें तो 100 कट ऑफ जा रखी है, ठीक है। तो 100 तक इसकी कट ऑफ जा रखी है, 100 106 तक इसकी कट ऑफ ऑलरेडी जा रखी है, जैसे कि बायोलॉजी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, तो इनकी कट ऑफ बहुत हाई गई है। और जैसे कि पीजीटी हिंदी हो गया, तो बच्चे देखिए ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ लेवल इज टू मच हाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कट ऑफ का लेवल बहुत हाई जा रहा है। ज्यादा अगर देख रहे होंगे तो तीनों में कोई ज्यादा बड़ा खास अंतर नहीं है, 5-4-5 नंबर का अंतर है, और ज्यादा कोई अंतर आपको देखने के नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लगभग लगभग सभी सब्जेक्ट में वैसे ही जा रहा है। अगर मैं पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स की जो मैक्सिमम कट ऑफ गई थी वो 87 गई है, ठीक है, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में। ओबीएस में 86 गई, ठीक है, एससी के लिए 79 और एसटी के लिए 73। तो देखिए ये डाटा आपको भले ही कम लग रहा है, पर पीजीटी का पेपर थोड़ा सा टफ आता है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। तो पेपर थोड़ा सा टफ आता है, तो इसके लिए मेहनत भी शायद हमें उतनी ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये सारा डाटा आपको दिया गया, अब हम इससे एक्सपेक्टेड क्या हम इससे बना सकते थे, तो हमने कुछ सोची चीजें। और एक्सपेक्टेड देखा जाए तो जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है, ये 145 से 150 के बीच में जनरल कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। जनरल कैटेगरी और कहीं ना कहीं ओबीसी कैटेगरी ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ जाता है, ठीक है। इसके बाद एससी कैटेगरी की 130 से 140 मार्क्स तक की कट ऑफ जा सकती है, और 120 से 110 मार्क्स तक की कट ऑफ जा सकती है एससी कैटेगरी की, ठीक है। तो ये कुछ एक्सपेक्टेड मतलब कट ऑफ है। हम इसे कैसे निकाल रहे हैं बच्चे, हम इसे पीछे के एग्जाम से कंपेयर करके निकाल रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप प्रीवियस कोई भी पेपर उठा के देख ले तो करंट के कट ऑफ में और प्रीवियस के कट ऑफ में 4 या 5 नंबर का ही अंतर होता है। ओके गाइस, तो यहां तक आप सभी को ये कंप्लीटली समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तो जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस।